नमस्कार भाइयों बहनों, मेरी माँ दुर्गा ज्ञान की वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप पा सकें हमारे हर वीडियोज़ के फ्रेश अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी बाइक के बारे में जो ना कि हमारे देश बल्कि पूरे विश्व भर में लोगों की सबसे पहली पसंद है और जिसे बैठना और जिसको चलाना सभी के लिए एक शान और गर्व की बात होती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुलेट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड नाम एक साइकिल बनाने वाली कंपनी द एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड ऑफ रेडिस से लिया गया है। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल सबसे पहले सन 1901 में इंग्लैंड में अल्बर्ट एडी और रॉबर्ट वॉकर स्मिथ द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इस कंपनी का इतिहास इससे भी बहुत पुराना है और इसके पुराने इतिहास की तरह इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन भी बहुत पुराना है। और यह एक ऐसी बाइक है जो कि इसकी पुरानी डिज़ाइन के बाद भी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन इस कंपनी में बहुत बड़ा घाटा होने के बाद यह कंपनी सन 1978 में बंद कर दी गई, लेकिन भारत में इसकी मैन्युफैक्चर कंपनी को बंद नहीं किया गया। सन 1851 में जॉर्ज टाउनसन ने अपनी सुई बनाने वाली कंपनी किर्बी वर्क्स को बंद कर दिया था, लेकिन इसके बाद उसके बेटे जॉर्ज जूनियर और उसके उसी कंपनी से बोनशेकर नाम की एक पहली साइकिल बनाई। सन 1880 में वह साइकिल के हिस्से बनाने वाली कंपनी में बदल गई और देखते ही देखते कुछ सालों में उन्होंने अपनी खुद की मशीनें बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, भारत में एनफील्ड मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी चेन्नई में है। यह कंपनी इंग्लैंड की है। यह कंपनी सन 1893 में बनाई गई थी और यह दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल में से एक है जिसका उत्पादन अभी तक हो रहा है। दोस्तों, भारतीय सरकार पुलिस और आर्मी के लिए एक अच्छी मोटरसाइकिल की तलाश में थी, तब उन्हें रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक इस काम के लिए बिल्कुल सही लगी और उन्होंने रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक के 350 सीसी वाले मॉडल के 800 मोटरसाइकिल ऑर्डर किए। सन 1955 में रेडिक कंपनी और मद्रास मोटर्स कंपनी पार्टनरशिप में हो गई और रॉयल एनफील्ड को बनाने का काम भारत में शुरू कर दिया गया और सन 1962 तक आते हुए सारे पार्ट्स भारत में ही बनने लग गए और पूरी बाइक भारत में बनना शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये था इतिहास उस शानदार बाइक का जो हम सबकी पहली पसंद है, बुलेट। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि वीडियो को पसंद आई होगी। इस ज्ञान को और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि ज्ञान शेयर करने से बढ़ता है और बढ़ती है आपकी इज्जत भी। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर लौटेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।